खरगोन जिले के बढ़वा में बीते रात लॉकडाउन में रात के अंधेरे में अवैध मुरम से भरे 3 डंपर और एक ट्रैक्टर को प्रशासन की टीम ने जब्त किया। डिप्टी कलेक्टर राहुल चौहान की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। कोरोना महामारी के चलते रात में कर्फ्यू के दौरान अवैध उत्खनन किया जा रहा था। बड़वा के पास रतनपुर गांव की बेड़ी से अवैध रूप से मुरुम का उत्खनन कर मुरुम का परिवहन किया जा रहा था। रात के अंधेरे में मुरुम का परिवहन करते 4 वाहनों को पकड़ा गया है। जब्त 3 डंपर और एक ट्रैक्टर को पुलिस की अभिरक्षा में थाने में खड़ा कर दिया है। चेकिंग के दौरान प्रशासन के दल में रतनपुर से आ रहे एक डंपर को पकड़ा था। जांच के बाद 2 डंपर और एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। हालांकि सूचना मिलने पर 2 डंपर से मुरम खाली करा दी गई थी। इधर रतनपुर खेड़ी से जेसीबी लेकर चालक फरार हो गया है। डिप्टी कलेक्टर चौहान ने बताया कि जांच का पता लगाया जाएगा कि अवैध उत्खनन के पीछे कौन है। पकड़े गए वाहनों पर कलेक्टर खनिज एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। लॉकडाउन को पालन करवाते हुए महेश्वर रोड पर जब हम लॉकडाउन का पालन करवाते थे उसी समय एक डंपर हमें देखा गया। जब उसको रोका गया तो उसमें पता चला कि उसमें मुहर्रम था। उससे पूछताछ की गई, पता चला कि वो रतनपुर गांव है, बड़वा तहसील में, वहां से खुदाई करके आ रहा था। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो रास्ते में हमें 2 डंपर और मिले, उनको भी जब्त किया गया और रास्ते में एक ट्रैक्टर मिला। जब मौके पर हम देखा तो वहाँ पर जेसीबी गायब थी, जो कि भाग चुकी थी वहाँ से लेकर जेसीबी को। और जब इनको थाने पे लाया गया तो उसी बीच में रास्ते में 2 डंपर ने अपना जो मुहर्रम था उसको खाली कर दिया रास्ते में ही। इसमें कलेक्टर साहब के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत अवैध परिवहन 3 डंपर और ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा था उसको पकड़ा गया, जब्त करके थाने पे खड़ा किया है। कलेक्टर महोदय के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।